जगदलपुर नगर निगम के विकास की रफ्तार आपको अचंभित कर सकती है। निगम एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा है, जिसका भूमि पूजन 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने किया था और लगभग 19 साल में 3 महापौर बदल जाने और पूरे 19 साल बीत जाने के बाद भी निर्माण अधूरा है। सरकारी निर्माण कार्यों के लागत से अधिक में बनने का मुख्य कारण है समय पर वो निर्माण कार्य पूरा नहीं होना। और यहाँ तो ये बिल्डिंग आप मेरे पीछे देखिए, ये जो बिल्डिंग खड़ी है ये नगर निगम द्वारा व्यावसायिक परिसर बनाया जा रहा है। और चौंकाने वाली बात ये है कि इस बिल्डिंग की नींव जो है, भूमि पूजन जो है, वो 2003 में उस दौरान जो मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय अजीत जोगी जी, उन्होंने रखी थी। और अभी फिलहाल चल रहा है 2022, मतलब समझिए कि 2003 से 2022 तक के सफ़र जो है तय हो चुका है, लेकिन ये बिल्डिंग अभी तक अपने आप को पूरे होने का इंतज़ार कर रही है। कुछ दुकान वाले हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि भैया बताएंगे कि इस बिल्डिंग का निर्माण कब शुरू हुआ था और ये कब तक जो है पूर्ण होगा, कैसा क्या लग रहा है? इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य 2003 में चालू हुआ था। 2003 में स्वर्गीय अजीत जोगी, जैसा आपने बताया, उन्होंने चालू कराया था, लेकिन इसका निर्माण कार्य कब पूरा होगा ये बताना अब असंभव लगता है, क्योंकि दिन ब दिन महंगाइयाँ इतनी बढ़ती जा रही है, सीमेंट का रेट, सारा रेट बढ़ते जा रहा है। जैसे आपने बताया, बाहरी तो सारा तैयार है, अंदर का सारा बचा हुआ है। 25 को मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि उद्घाटन होगा, लेकिन फिर से ठंडे बस्ते में चला गया है। ये जो बेसमेंट है वहाँ पे लगातार पानी भरता रहा है, तो अभी भी क्या इसकी ये दीवार मजबूत होगी ऐसा लगता है? नहीं नहीं नहीं, मजबूती का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कम से कम हम लोग इसको 2011 से इसी स्थिति में देख रहे हैं। अब नीचे वो पानी हर साल भरता है, बरसात में उसे पंप द्वारा निकाला जाता है, फिर भर जाता है, वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका होगा वो। यहाँ पे ये जो परिसर है, कई दुकानों का शटर खुला हुआ है, अंदर भी खुला हुआ है, यहाँ पे कई असामाजिक तत्वों का भी अड्डा बन गया है रात में। असामाजिक तत्व आते हैं सर जी, तो देखिए कि असामाजिक तत्वों का ये अड्डा बन गया है, 2003 से 2022 हो गया है, लेकिन अभी तक इस बिल्डिंग को, इस व्यावसायिक परिसर को निगम पूरा करने में असफल रहा है। और इससे अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2003 से 2022 की महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, ऐसे में उस दौरान कितने लागत में इसको बनना था, लेकिन अब ये किस लागत तक पहुँच चुका हो। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजबी, बंसल न्यूज़, जगदलपुर।